हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं पाइथन की मदद से। सबसे पहले हमें क्यूआर कोड नाम का एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना आईडीई खोलेंगे। मैं पाइचर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड या कोई भी। सबसे पहले हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं QR। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक नया फाइल बनाएंगे MyQR नाम से। और ये कोड लिखने से पहले हमें दो मॉड्यूल इंस्टॉल करना होगा। तो हम अपने IDE के टर्मिनल में कमांड लिखेंगे pip install pillow। मेरे में पहले से इंस्टॉल है, आप इसे इंस्टॉल कर लें। फिर उसके बाद एक और कमांड है QR कोड, ये भी मेरे में पहले से इंस्टॉल है, आप इसे इंस्टॉल कर लें ये कमांड यूज करके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। तो सबसे पहले हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे QR कोड को। उसके बाद हम एक डाटा बनाने के लिए वेरिएबल लेंगे, तो डाटा स्टोर करने के लिए। तो यहाँ हम माई डाटा लिख देते हैं इज इक्वल टू, जैसे हम खोलना चाहते हैं QR कोड की मदद से YouTube, तो हम यहाँ लिखेंगे www.youtube.com। उसके बाद हम यहाँ इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ कमेंट कर देते हैं creating an instance। तो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं QR इज इक्वल टू QR कोड डॉट QR कोड। यहाँ हम वर्जन डालेंगे 1, फिर बॉक्स साइज 10 देंगे, बॉर्डर का साइज बाय डिफॉल्ट 4 रहता है लेकिन हम यहाँ 5 दे रहे हैं। उसके बाद हम टाइप करेंगे QR डॉट एड डाटा। यहाँ पे जो हम डाटा स्टोर किए हैं, जो वेरिएबल बनाए थे, उसमें हम डालेंगे माई डाटा। माई डाटा यहाँ डालने के बाद हम यहाँ लिखेंगे QR डॉट मेक
फिट या ऑटोमेटिकली फिट लेने के लिए है ट्रू, हम ट्रू दे रहे हैं, ट्रू का टी कैपिटल। उसके बाद यहाँ हम इमेज में कन्वर्ट करने के लिए डाटा को क्यूआर डॉट मेक इमेज फिल ब्लैक ये जो क्यूआर कोड का यहाँ ब्लैक दे रहे हैं जो स्क्वायर है वो ग्रिड लाइन वो ब्लैक कलर का आएगा इसके लिए और वाइट और यहाँ जो बैक बैक कलर है तो यहाँ हम ब्लैक कलर में देना चाहते हैं, आप कोई भी कलर दे सकते हैं लेकिन ज़्यादातर क्यूआर कोड आपको देखने में ब्लैक कलर ही मिलता है इसलिए आप ब्लैक लीजिए। उसके बाद बैक कलर हम वाइट ले लेंगे, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। उसके बाद हम क्यूआर कोड जो जनरेट होगा उसे हम सेव कर लेंगे पीएनजी फाइल में, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे आईएनजी डॉट सेव के अंदर जिस नाम से आप क्यूआर कोड सेव करना चाहते हैं वो नाम दे देते हैं, माई क्यूआर वन दे देते हैं, क्यूआर वन डॉट पीएनजी। यहाँ हम पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं क्यूआर कोड को, अब हम इसे रन करेंगे राइट क्लिक, और जैसे हम राइट क्लिक करके रन करते हैं यहाँ पे हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है और इसे आप गूगल लेंस पे या फिर क्यूआर कोड स्कैनर स्कैन करेंगे तो आपको जो मैसेज यहाँ दिया है youtube.com वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, थैंक यू।